अरे हीरा 5 मिनट और रुक जा। कान में रुई लगा के रखा क्या? सुना नहीं देता, कंपनी का घंटा बज गया है। मैं फोरमैन हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे तुम चाहे फोरमैन हो या फाइव मैन हो या वॉचमैन हो, एक बार कंपनी का घंटा बज गया तो अपन किसी मैन को नहीं पहचानता, समझा? परवरदिगार करे तुम्हारा भी सत्ता नाश हो जाए। कपूर भाई, अरे ये किसकी माँ बहने कर रहे हो? अरे बेटा हीरा, क्या बताऊँ, इस कमल सेठ जी के पास अपनी बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए मांगे थे एडवांस में, कमक ने देने से इनकार कर दिया। गफूर भाई, तुमको मांगने का स्टाइल नहीं आता है। स्टाइल? अरे बेटा, जब मैं इस कंपनी में आया ना तो तुम्हारे साइज का था, 30 बरस काम करते करते घिस घिस के इतना रह गया हूँ। जब बेटा तुम 30 बरस तक काम करोगे ना तो मुझसे भी छोटे हो जाओगे, और मुझको स्टाइल सिखा रहे हो? गफूर भाई, आप उनका तो स्टाइल ही अलग है। देखो, डब्बे के अंदर से घी निकालना होता है ना तो थोड़ा उंगली टेढ़ा करना होता है, ऐसे सेठ लोग की तिजोरी से माल निकालना होता है ना तो थोड़ा चाल टेढ़ा करना होता है। अरे बेटा, मैं गरीब आदमी, क्या तेरी चाल चलूंगा? फिर वो हिपोकल बात। साला, अपन मजदूर लोग की बिरादरी में यही तो बुराई है। अपन लोग अपना गरीबी का लेबल माथे पर लगा करके मजबूरी का पोस्टर थोबड़े पर चिपका करके घूमता फिरता रहता है, उसे देखकर ऐसे सेठ लोग अपन से फायदा उठाता है। गफूर भाई, अभी तुम इधर ठहरो, अपन तुमको इस सेठ से माल निकालने का नमूना दिखाता है। नहीं नहीं बेटा, मुझे हाथापाई बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हाथ कौन चला रहा है कपूर भाई, जब बात से काम निकल सकता है तो हाथ चलाने से क्या फायदा? हाँ तुम देखो वो जो सामना। अरे सीधा सीधा बोलो, नहीं क्या बोलना चाहता है? सीधा ही बताता है इसे। एक इंस्पेक्टर 4 हवलदार राउंड अप करता हुआ इधर आया, ट्रक को देखा, ट्रक को रोका, ट्रक के अंदर झांक के देखा तो लफड़े का माल। अपन दौड़ के उधर से आया, इंस्पेक्टर बोला अपन ये ट्रक, इसके अंदर सारा माल अपने कब्जे में करता है, तुम बिना टैक्स दिए पिच्छू का गेट से माल निकालता है। ये तो बोलो सेठ, तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि अपन उधर बैठा था, नहीं तो आज तुम इधर नहीं जेल में बैठा होता। तो इसका मतलब पुलिस ने हमारा ट्रक पकड़ लिया है? और नहीं तो क्या, अपन क्या इतनी देर तक तुमको पिक्चर का स्टोरी सुनाता है क्या? जी कितने बजे हुआ? अभी सेठ, सूरज डूबने से सूरज निकलने तक अपन के लिए रात होता है, घड़ी तो आने की टाइम बता देते। लफड़ा तो हुआ है सेठ, फिर भी अपन इंस्पेक्टर को मस्का लगा के हाथ पांव जोड़ करके पटाया है। देखो सेठ, अपन तुम्हारा नमक खाया है, तुमको जेल का हवा कैसे खाने देगा? फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, 2-4 क्लाक तक तो वो बाटली के अंदर घुसता ही नहीं इंस्पेक्टर, फिर पटा पटा के उसको बाटली के अंदर घुसेड़ा, ऊपर से पूछ मार, तब वो बोला 5000। 5000 रुपया लगेगा, नहीं तो तुम्हारा कंपनी का बैंड बच जाएगा। अभी क्या है इसे, वो अपना हवलदार इधर भेजेगा, उसको पैसा दे देने का है, लफड़ा खत्म करने का। इधर आओ, देगा इंस्पेक्टर का हवलदार, अभी उसको जाकर के रुपया छिड़का देने का है। क्या नाम बोला तुमने? हीरा। हाँ हीरा। हाँ सिर्फ ये 5000 रुपए हैं, तुम जाकर पुलिस को पटा दो। अरे सिर्फ काय को मेरे को ये सब लफड़ा में डालता है? क्या है, अभी अपन का दाखला नहीं हुआ है, फोकट में अपना नाम पुलिस की डायरी में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सिर्फ। कुछ नहीं होगा, गड़बड़ होगी तो हम जो तुम्हारे लिए बैठे हैं यहाँ, लो। क्या है सेठ, अपन को तुमसे बहुत प्यार है इसीलिए सब लफड़ा करता है, वरना दूसरा कोई होता ना तो अपन उसके ऊपर थूकता। अरे सॉरी सेठ, थोड़ा थूक गिर गया। हम तो क्या है, हम तो क्या है, वो फरिश्तों को आजमाता है, बना के हमको मिटाता है फिर बनाता है आदमी झूठ के। बंद करो, बंद करो ये फरियाद, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि भगवान है, खुदा है, कहां तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा, ये झूठ है, तुम्हारी किताबों में जो कुछ भी लिखा वो सब झूठ है, सच्चाई ये है तुम्हारे सामने। इस दुनिया में कुछ लोगों ने हम जैसों को शतरंज की मोरों की तरह नचा के रखा हुआ है, सच्चाई ये है। नहीं बेटा नहीं, वो जो करता है वो ही जानता है,
अगर आज उसने तुम्हें ठोकर मारी है तो कल ऐसा मरहम देगा कि फिर कोई ठोकर तुम्हें जख्म नहीं देगी। आज अगर तुम उसे नहीं मानते हो। हाँ मिस्टर हीरा, तुम तो सचमुच के हीरा हो। कहाँ इस शहर में पड़े हो, ये जगह तुम्हारे काबिल नहीं है। वैसे तो साहब ये दुनिया भी अपन के काबिल नहीं है, सोचा था इसको छोड़ देंगे लेकिन अब कुछ लोगों का पता लगा कर ही छोड़ेंगे। मिस्टर हीरा, मेरा दिल कहता कि तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। और साहब अपन का दिल भी यही कहता है कि एक दिन तुम भी ऊपर जाएगा। अच्छा भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे। सलाम साहब। सलाम। हाँ भाई। अरे क्या आंटी, इतना गाना गाया हम कुछ। भाजी क्या करेंगे इसका? इसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं। खरीद लो इसे और फौरन मेरे पास लेकर आओ। अरे जर्मन, क्या तुम हमको बियर पिला पिला के झंडा कुत्ती जा रही हो? नमस्ते भाभी। ये तुम्हारी भाभी जी है? अरे भाई तुम्हारी बीवी अपन की भाभी हुई ना। नहीं हीरा, ये मेरी बीवी नहीं है। यानी बिना लाइसेंस के ही? हीरा क्या भी होगी? कुछ नहीं सेठ, काम की बात करो। क्या काम कर सकते हो तुम? सब काम कर सकता हूँ सेठ, अभी जो तुम चमत्कार दिखा रहे थे उसे छोड़। माल मिलेगा तो हाथ भी चला सकता हूँ, चाकू भी चला सकता हूँ, 10-15 को सुला भी सकता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे साथ कश्मीर चलोगे? कश्मीर क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चलने को तैयार हूँ। हीरा मेरे पास एक मैनेजर की जगह खाली है। मैनेजर की जगह खाली हो या डैमेजर की, सब चलेगा सेठ सिर्फ। हाँ हाँ वो भी मिलेगा, लेकिन हीरा एक बात है, तुम्हारी ये जबान, मेरा मतलब ये बोलचाल नहीं चलेगी। बोलचाल की तुम फिक्र मत करो सेठ, अपन आदमी देख के बात करता है। इंडिया में ऐसा कोई भी भाषा नहीं जो अपन पानी के मारूफ नहीं बोल सकता है। एक एक नमूना पेश है, खिदमत है। आदावज है किबलाओ काबा, अगर शीशाए दिल पे बाल ना है, हुजूर की तबीयत को नागवार ना गुजरे, तो ये नाचीन आपकी हाथ पा आपके हुजूर अकदस में चंद कलमात पेश करने की इजाजत चाहता है। बस बस बस, सरकार अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। इवरी चिन्ने पापा वायल के मुझे कड़े करेगा तरिया। और बाबा हीरा, मैं बिल्कुल समझ गया, तुम वाकई मेरे काम के आदमी हो, लेकिन हीरा तुम्हें ये हुलिया भी बदलना होगा। सरकार पैसे के लिए तो आजकल इंसान अपने माँ बाप बदल लेता है, तो हुलिया बदलने में कितना टाइम लगता है? ऐसी हुलिया बदलूंगा कि आपको भी पहचानना भारी पड़ जाएगा। एक बात और, इधर से आप उनको रिटर्न टिकट मांगता है। रिटर्न टिकट? हाँ वो इसलिए कि अगर उधर अपन को तुम्हारा कारोबार पसंद नहीं आया ना, तो अपन उधर से वापस आ जाए। हीरा तुम्हारी ये बात हमें बहुत पसंद आई, रिटर्न टिकट भी मिलेगा और ये है कुछ पैसे और तुम अपना हुलिया। अरे जियो मेरे राजा, क्या चमक रहे हो? ये साला कपड़ा भी इंसान को कैसे क्या बना देता है, कल तक सिर्फ नाम का हीरा था, आज साला सचमुच का हीरा लग रहा है। भाई एक भेद की बात बताऊं, हमारे महेंद्र बाबू ने आपको कैसे क्या बना दिया, आपका हुलिया पलट कर रख दिया। आई बात समझे? चुप बैठ चमचे, तुम्हारे महेंद्र बाबू ने अगर अपन का हुलिया बदल दिया तो देखना एक दिन अपन भी उसको कहां से कहां पहुंचाता है। हाँ जी कर दिया, और इसका क्या करना? इसका क्या करना है? भाई ये अपन के पास रहेगा। अब इसका क्या करेंगे? ये अपन का औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा ये कपड़ा है ना, ये सब सालन नकली है, असली ये कपड़ा है क्योंकि इसमें अपन का गरीबी दिखाई देता है। ये अपन के जिस्म का चमड़ी है और ये साला अपन का कफन है, काला कफन। आए बात समझ में? भगवान के नाम पे कुछ दे दो सेठ, भगवान के नाम। तुम भी अपन के कपड़ों में धोखा खा गए? अरे अपन सेठ बैठ नहीं है, अपन तो तुम्हारी बिरादरी का है। चलो देखता है, पकड़ो। छोटा नहीं है, वाह। बोल रणवीर सिंह की जय। इधर
ये किसके नाम के नारे लग रहे हैं? ये यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं। हर साल गरीबों को आज ही के दिन लाखों रुपया चंदा देते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी जानोगे? दोस्तों, मैं जय जयकार के काबिल नहीं हूं। लावारिस, अनाथ, यतीम, समाज पर बोझ, मुझे इन लफ्जों से नफरत है। इनके साथ जरा सी हमदर्दी जताकर इन्हें रोटी, कपड़ा, रहने के लिए मकान देकर लोग समझते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ रोटी और कपड़े की जरूरत नहीं, ये भूखे हैं प्यार के, मोहब्बत के। इनसे प्यार करो, आगे बढ़ो, इन्हें बढ़ के सीने से लगाओ, इनके प्यारो। अरे इतना ही हिम्मत है तो अपन को भी गले लगाओ, अपन का भी कोई तुम्हारे शरीर का बाप होएगा। कौन हो तुम? लावारिस, खालिस लावारिस। छोड़ दो इसे, यहाँ आओ बेटे, जो कहना है यहाँ आके कहो। आओ बेटे, यहाँ बोलो।